सैर कर दुनिया की गाफिर जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी, वहाँ का पॉल्यूशन शोर शराबा, और आप चल पड़ते हैं इन पहाड़ों की ओर, अपने खूबसूरत पहाड़ों की ओर। आज मैं एक ऐसी खूबसूरत जगह आई हूँ जहाँ की मैंने कभी सपने में कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, मैंने यहाँ की कभी कल्पना नहीं की थी कि यहाँ पर इतनी खूबसूरत जगह होगी। ऋषि मुनियों की तपस्थली यानी कि ऋषिकेश, जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ, और मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस कैंप के अंदर हैं, अभी रेस्ट कर रहे हैं सभी लोग। और ये खूबसूरत पहाड़ आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा एक बार इन पहाड़ों की झलक ज़रूर दिखाएं। ये खूबसूरत पहाड़ यहाँ पर हैं, और इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच एक खूबसूरत जगह, यहाँ पर एक कैंप है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कितना प्यारा यहाँ पर कैंप बनाया गया है। इन कैंपों की जो बात है वो बहुत अलग है, बड़ा ही सुकून यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर जो बैठने का सुकून है वो शायद आज तक कहीं मुझे महसूस नहीं हुआ। यहाँ पर बैठ के खाना खाना या चाय पीना, मतलब बहुत खूबसूरत। कभी हम अपने गांव में ऐसे होया करते थे जैसे आज़ाद पंछी की तरह, और आज यहाँ पर आकर मुझे वो सब फील हो रहा है। और नाइट में जब यहाँ पर डीजे बज रहे थे तो हमारे पैर होते हैं ना, आजकल एक गाना भी चल रहा है कि मैंने तोड़ दी उड़बल तेरी नचाड़ खोटी, तो वही वाला। जब वहाँ से डीजे बज रहे थे तो पैर खुद से थिरक रहे थे। यहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह है। उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, और यहाँ पर सर्दी का मौसम है तो आग की भी ज़रूरत पड़ती है, और जैसे हम घर में ना चूल्हा पर बैठ जंदन, तो यहाँ पर वो भी बहुत अच्छी व्यवस्था है कि यहाँ पर आग जलाओ, फिर गोल घेरे में पूरे बहुत सारे लोगों के साथ बैठो, फ्रेंड हो या फैमिली हो, और बैठते बैठते आग सेको चाय पकौड़ियों के साथ। रात का जो आनंद है वो बहुत खूबसूरत है यहाँ का। और यहाँ पर ये कोर्ट बनाया गया है, इसमें आप बैडमिंटन वॉलीबॉल के काफ़ी शौकीन होते हैं, बच्चे भी होते हैं, हम लोग भी और नौजवान भी होते हैं, सभी होते हैं, तो ये खेलने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। बहुत खूबसूरत लग रहा है पूरा। एक बार आप यहाँ पर घूमेंगे तो बहुत अच्छा फील होगा, मैं दावे के साथ कहती हूँ, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ और मुझे इतना खूबसूरत लगा। एक तो ऋषि मुनि की तपस्थली, माँ गंगा की तपस्थली, ऊपर से इतने प्यारे पहाड़, और पहाड़ों के बीच नदी, और नदियों के बीच में कैंप। सोचिए कितना खूबसूरत होगा ये नज़ारा। आइए मैं आपको डाइनिंग हॉल दिखाती हूँ, और मेरे पीछे देख रहे होंगे ये यहाँ पर डाइनिंग का है। और एक खूबसूरत बात जो यहाँ के जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत, यानी कि इस खूबसूरती को चार चांद लगाता है, वो इवनिंग के टाइम है जब यहाँ पर हर तरफ लाइट ही लाइट होती है, और ऐसा लगता है कि पूरा आसमान धरती पे उतर आया हो, इतना खूबसूरत है ये कैंप।